व्हाट इज़ अप गाइस, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐप रिव्यू। आज हम रिव्यू करेंगे एक वीडियो एडिटिंग ऐप का जिसका नाम है काइनमास्टर। इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलता है हमें काइनमास्टर के अंदर। जैसे ही हम यूट्यूब बटन पर क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे काइनमास्टर के यूट्यूब पेज पर। बट जैसे हम स्टोर बटन पर क्लिक करेंगे हमें मिलेगा काइनमास्टर की स्टोर की एक्सेस, और उस स्टोर में हमें क्या मिलेगा, कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि काइनमास्टर ऑफर करता है। ओके, तो ये सब फीचर है एक प्रीमियम यूज़र के लिए। फीचर में क्या है, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट ऐड करना हो, एक वीडियो की क्लिप है उसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट डालना हो, या एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेंज होंगे तो उनके बीच में कुछ ट्रांजिशन का अप्लाई करना हो, तो इन सब को हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओके, ऐसे ही अपने पास क्या है, टेक्स्ट को अप्लाई करना हो, कुछ भी टेक्स्ट को एक नया टेक्स्ट का फॉन्ट लेना हो, या फिर कोई भी म्यूज़िक वीडियो हो या उसके अंदर काम करना हो। ओके, म्यूज़िक इफ़ेक्ट हो, साउंड इफ़ेक्ट हो, ओके, तो हम उसको इजीली ऐड कर सकते हैं काइनमास्टर के स्टोर से। हम उसको डाउनलोड करेंगे और इजीली उसको यूज़ कर लेंगे। अब हम जाएंगे काइनमास्टर में, किस तरीके से हम एक वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। हमें पहले सेलेक्ट करना हो कि किस तरह की वीडियो बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर स्क्वायर टाइप की वीडियो। हमें यूट्यूब के लिए सेलेक्ट करेंगे 16:9 की वीडियो। ओके, एक हॉरिजॉन्टल वीडियो सेलेक्ट करेंगे। ये कुछ इंटरफेस होता है काइनमास्टर के अंदर। अब हमें सेलेक्ट करना होता है कि किस तरीके का बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड फ़ोटो है जो कि काइनमास्टर ऑफर करता है। हम इनमें से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बट अभी हम यूज़ करेंगे एक वीडियो का जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। अब उस वीडियो को हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे काइनमास्टर के अंदर। ये कुछ वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते। तो अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम एक वीडियो की एडिटिंग कर सके इस क्लिप के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हम इस वीडियो को ट्रिम करेंगे। अब जो लेफ्ट पार्ट है उसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम ट्रिम कर देंगे लेफ्ट प्लेहेड के साइड का। अब जैसे कि हमने राइट का किया, ऐसे ही हम करेंगे प्लेहेड को स्प्लिट कर देंगे। प्लेहेड मतलब क्या, ये जो बीच में एक रेड कलर की लाइन है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो अब देख रहे हैं जूम का फीचर क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वल टू साइन को रिमूव करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो स्टार्टिंग फ्रेम है वो एंडिंग फ्रेम के इक्वल नहीं होगा। तो बेसिकली मतलब क्या है कि हम स्टार्ट तो करेंगे सिंपल एज इट इज़ जो नॉर्मल फ्रेम है उससे, बट जो एंडिंग फ्रेम होगा वो थोड़ा सा जूम होगा। ये उस स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से मिक्स कर देगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि जिस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच वीडियो जूम हो रही है। ये इफेक्ट है, जूम इन इफेक्ट है। ओके, ऐसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। तो आप इस वीडियो में आगे देखिए किस तरीके से हमने इसे यूज़ किया। ओके, तो अब हम क्लिक करेंगे ऑडियो बटन पे। ऑडियो बटन पे हम, ये डिनोट करता है अपनी वीडियो का ऑडियो, तो हम इसको 200% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें हम एडिट करेंगे ऑडियो। क्लिप ग्राफिक के अंदर क्या होगा भाई, क्लिप ग्राफिक के अंदर होगा इस पूरी क्लिप के अंदर हम किस तरह का ग्राफिक ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैंने इसमें स्टार का ग्राफिक ऐड किया है, तो इस पूरी क्लिप के अंदर अब जब भी क्लिप प्ले होगी तो ये स्टार अपने पास पैटर्न फ्लो होगा उसमें। तो ये है क्लिप ग्राफिक। ओके, अब इस एरो से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस क्लिप के अंदर इस ग्राफिक की लेंथ कितनी होगी। अब स्पीड को सिंपली मतलब है इस क्लिप की स्पीड, कितनी स्पीड से इस क्लिप को हम रन करेंगे। तो इसको मैक्सिमम मेरे फ़ोन में मैं 8x कर सकता हूँ, मिनिमम 0.125x रख सकता हूँ इसको। इतनी आराम से कर सकता हूँ, इतनी फास्टली इसको मैं प्ले कर सकता हूँ अपने मोबाइल। सिंपली रिवर्स बटन, रिवर्स बटन क्या कहता है, इस क्लिप को रिवर्स कर देता है एग्जैक्टली, जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। सिंपली रोटेट और मिररिंग का ऑप्शन सेम है, हम इसको रोटेट करेंगे, इमेज को मिरर करेंगे, तो वो हम इजीली कर सकते हैं क्लिप के साथ। अब हम देखते हैं अगला फीचर जो कि है कलर फिल्टरिंग। अब इस क्लिप में मैं किस तरीके का कलर फिल्टर को अप्लाई करूँगा, जैसे वॉर्म हो गया, ये ब्लैक एंड वाइट, तो मैं डिफरेंट तरीके के फिल्टर्स को यूज़ कर सकता हूँ ओके, इसमें, ताकि अपनी क्लिप को अच्छा लगे। ऐसे ही हम करेंगे एडजस्टमेंट को परफॉर्म। एडजस्टमेंट जैसे ब्राइटनेस को डार्क करना हो, लाइट करना हो, इसकी लाइट की कंडीशन को कैसे रखना है, सिंपली
कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी वीडियो क्लिप के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब हम सिंपली सेचुरेशन को कर सकते हैं, कलर की वाइब्रेशन को कर सकते हैं कि कलर कितने ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे, एग्रेसिव होंगे, ओके। ऐसे ही हम टेम्परेचर को कर सकते हैं, हाइलाइट्स को कर सकते हैं, ओके। हाइलाइट्स को करेंगे, शेडो को करेंगे, तो ये कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट है जिनको हम अपनी क्लिप के अंदर परफॉर्म करेंगे, जो कि अपनी लाइटिंग और कलर के इफेक्ट को चेंज करने के काम आएंगे। ओके, तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे हम किस तरीके से इक्वलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे, यानी अपनी जो भी वीडियो का ऑडियो साइंड ऑडियो है उसके अंदर हम किस तरीके से बेस को ऐड करेंगे या जैज़ को ऐड करेंगे, किस तरीके से उसमें साउंड इफेक्ट को चेंज करेंगे। अब हम करते हैं वॉल्यूम एनवेलप को। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वॉल्यूम को डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया अपनी क्लिप के अकॉर्डिंग, कि इस पोजिशन के ऊपर तो साउंड जीरो हो जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर यानी ये क्लिप का ये फ्रेम के अंदर ये साउंड मैक्सिमम, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं साउंड को, ओके, अप टू 200% तक, कि इस फ्रेम के अंदर साउंड जीरो होगा, इसके अंदर मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे ही अब हम देखेंगे रिवर्ब को, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट ऑप्शन है अपने वीडियो, अपने जो ऑडियो है ना क्लिप का, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या कि जैसी आवाज़ बाथरूम के अंदर आएगी, केव के अंदर आएगी, ओके, तो उस हिसाब से हम अपनी वीडियो के ऑडियो को कस्टमाइज करेंगे। अब हम देखेंगे वॉइस चेंजर, इसमें क्या करेंगे, जो अपनी क्लिप का ऑडियो है उसकी वॉइस को हम चेंज कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, मैन के, वुमेन के, रोबोट के, एलियन के, किड्स के अकॉर्डिंग, टू पिच। अब हम देखेंगे विग्निटी। अब इस विग्निटी में क्या होगा कि जो भी अपनी वीडियो की एजेस होगी वो थोड़ी डार्क हो जाएगी, जैसे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो एजेस डार्क हो रही है, ओके। ऐसी एक फीचर है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, जो कि हम काम करते हैं उस क्लिप के ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब क्यों एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि हमें उसे डिलीट करना हो या कुछ और करना हो, री रिकॉर्ड करना हो, तो हम वो ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। अब इस ऑडियो को हम अप डाउन करके इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, इक्वलाइजर में हम इसको बेस बढ़ा सकते हैं, या इसका और भी कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सिंपली वॉल्यूम एनवेलप में हम डिसाइड कर सकते हैं किस पार्ट में, किस फ्रेम में वॉल्यूम अप करनी है, किस में डाउन करनी है, ओके। रिवर्ब में हम किस तरीके की वॉइस की क्वालिटी होगी अपनी, यानी एक केव लाइक आवाज़ आएगी या फिर एक बाथरूम लाइक आवाज़ आएगी, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। वॉइस चेंजर में भी सेम है कि जो भी इस क्लिप में ऑडियो उसको चेंज करेंगे। डगलिंग का मतलब क्या है कि इस ऑडियो का हमने कलर चेंज किया है, ओके। तो ये क्या है, एक आइडेंटिफाइंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया तो हम उसको डार्क कर देंगे, ताकि हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। लूप का मतलब क्या है कि अगर ये वीडियो लास्ट तक होती तो हम चाहते हैं ये एक छोटी सी ऑडियो क्लिप है ना, ये लास्ट तक रिपीट हो जाए, तो हम इसको कर देंगे लूप अप टू एंड तक ऑन कर देंगे, तो ये इसकी एक कॉपी बनती बनती उस पूरी क्लिप को कवर कर लेगी एंड तक। अब ट्रिम का पार्ट देखते हैं हम। सो ट्रिम में सिंपली क्या है, इस प्लेहेड का राइट पार्ट को ट्रिम करना है तो उसको राइट को कर देंगे, ट्रिम का लेफ्ट पार्ट को ट्रिम करना है तो वो भी कर सकते हैं हम, ओके। इन्फॉर्मेशन में हमें मिलेगी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लिप, ओके, यहाँ से हम इसको ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये है कुछ ऑडियो के बारे में। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे काइनमास्टर के अंदर। जैसे कि अभी आगे हम इस वीडियो में एक इंपोर्ट करेंगे एक इमेज को, सो हमें सिंपली क्लिक करना है लेयर पे, लेयर पे हम जाएंगे मीडिया ऑप्शन में, वहाँ से हमें एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो लेयर मतलब क्या है कि हमें इस वीडियो के पैरेलली उसको रन करना है, ना कि उसके आगे। सो इस इमेज को मैंने इंपोर्ट किया, तो यहाँ से मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ इन एरो की मदद से, ओके। तो इससे प्लेहेड से मैं इस फोटो की क्लिप की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, ट्रिम करूँगा। लेफ्ट प्लेहेड से ट्रिम करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट से करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे स्प्लिट स्क्रीन का कॉन्सेप्ट ये, किस तरीके से स्प्लिट को स्क्रीन करना हो, अब ये किस लिए करनी है, अगर एक ही आदमी मल्टीपल रोल करना हो तो आधा इस इमेज पे आधा उस पे हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ एनिमेशन है जो हम अप्लाई करेंगे जब अपनी फोटो एंटर होगी, तो यहाँ से हम उसकी स्पीड को मेज़र कर लेंगे या स्पीड को एडजस्ट करेंगे कि किस तरीके जब ये एंटर होगा तो कितनी स्पीड होगी उसकी। ओवरऑल इफेक्ट में क्या है कि इन बिटवीन किस तरीके से वो इफेक्ट करेगी फोटो, तो उसको देख सकते हैं। आउट इफेक्ट क्या है, जब फोटो का फ्रेम
हटेगा अपनी वीडियो से तो वो किस तरीके से या किस पैटर्न से वो हटेगा और उसकी स्पीड को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे क्रॉपिंग को। ओके, अब हम किस तरीके से इसको क्रॉप कर सकते हैं, अननेसेसरी क्रॉप करेंगे। ओपेसिटी का मतलब है कि उसकी कितनी उसकी विजिबिलिटी होगी, ओके, यानी ट्रांसपेरेंट होगी क्या होगी, तो हम उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली कलर फिल्टर्स है कि इस वीडियो के इस फोटो के ऊपर कौन कौन से कलर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, रेड है वॉर्म करना है उसको किस तरीके से करना है, तो वो हम कर सकते हैं इस वीडियो को। तो बाकी सब सेम है, एज जो कुछ हम वीडियो में कर सकते थे वो हम सब कुछ फोटो के अंदर भी कर सकते हैं अप्लाई। ओके, तो ये सब सेम है। अब जैसे ब्लेंडिंग में हम लाइट की कंडीशन को एडजस्ट कर रहे हैं कि लाइट को डार्कन करना है, ब्लेंड करना है। ओके, इन्फॉर्मेशन में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग फोटो के। अब यहाँ से हम ग्राफिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से ग्राफिक्स क्या होंगे। ओके, तो अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे यार कि एक हमने इम्पोर्ट की एक ग्रीन स्क्रीन वाली एक वीडियो हमने इम्पोर्ट की है, यानी उसमें बैकग्राउंड में क्या होगी, ग्रीन स्क्रीन। हम इसमें अप्लाई करना सीखेंगे क्रोमा की इफ़ेक्ट। अब मैंने क्रोमा की इफ़ेक्ट को ऑन किया और ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट हो गया सेट ग्रीन। अगर ये ग्रीन सेट नहीं होता तो हम इसको ग्रीन सेट करेंगे, और यहाँ से इसको अगर इसमें ग्रीन इफ़ेक्ट होगा तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे जब तक ग्रीन इफ़ेक्ट डिक्रीज ना हो जाए। ओके, तो हम अभी इसको 50 पे रखेंगे और देखें आगे कैसे हम इस वीडियो को प्ले करेंगे। ओके, तो अब हम इस वीडियो में देखें कि ये ओरिजिनल वीडियो क्या थी। तो ये ओरिजिनल वीडियो थी, इसमें एक ग्रीन स्क्रीन थी, बट हमने क्रोमा की इफेक्ट को यूज करके उस ग्रीन कलर को ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट किया हमने। ओके, सो ये अपने पास थी ओरिजिनल क्लिप, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो हमने इस ओरिजिनल क्लिप के ऊपर क्रोमा की का अप्लाई किया और इसके बैकग्राउंड को ग्रीन था, जिसको हम ट्रांसपेरेंट करके इस वीडियो के सामने हमने इसको क्या किया है, यूज़ किया है। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्रोमा की इफ़ेक्ट अप्लाई करना आ गया होगा अब इसमें। ओके, सो अब हम इसमें आगे कुछ और अपडेट देखेंगे, जैसे इससे हम क्या स्क्रीन पे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्ले बटन है, जो भी हमने वीडियो को एडिट किया है उसको हम प्ले करके देख सकते हैं, या जो है वीडियो बीच में एडिटिंग में उसको हम प्ले करके देख सकते हैं। अब जो सेकंड बटन है उससे क्या करें, हम इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वालिटी को हाई या लो में बिट रेट होगा, तो उसमें जितनी ज़्यादा क्वालिटी हाई होगी उतनी इमेज की अच्छा होगा। ऐसी फ्रेम रेट है, ऐसी हम रिजोल्यूशन को सेट करेंगे, तो ऐसी हम इमेज को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके, मतलब क्या, वो फाइनल वीडियो मिल जाएगी हमें आफ्टर एडिटिंग। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं उस इमेज का, जैसे कि हमने इसमें किया है। अब हम इसको डिलीट करेंगे डिलीट बटन से, ठीक है। अब हम इसको पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करके जो भी अपना प्रोजेक्ट था उसको रिज्यूम करेंगे। ओके, सो अब हम इसके ऊपर कुछ और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि उंडो, अंडू और री अंडू। अब जैसे कि मैंने उसको डिलीट किया तो मैंने उसको री अंडू कर दिया, री अंडू से अंडू कर दिया। ओके, अब तीसरी चीज़ है कि ये हम किस तरीके से एक फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि वीडियो के बीच में है ये फ्रेम, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ, तो मैं इसको कैप्चर एंड सेव करूँगा, जो कि हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा एज ए फ़ोटो। अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कैप्चर सेव एंड क्लिप, तो ये क्लिप के अंदर ही ऐड हो जाएगा। ओके, बट अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये एज ए लेयर ऐड होगा इस वीडियो में, यानी इस वीडियो के पैरेलली चलेगा। अब जैसे कि हमने इसमें एडजस्ट कर दिया, इस फोटो को हम एडजस्ट कर सकते हैं कि अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग, किस वीडियो फ्रेम में हम इसको यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इजीली यूज़ करेंगे। सो आगे अब इस वीडियो में देखिए किस तरीके से हमने इसको एडजस्ट किया है। सेटिंग में जाएंगे, हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑडियो, वीडियो और एडिटिंग। सो ऑडियो में हमें क्या करना है, फेड कर सकते हैं हम ऑडियो को, यानी कि इनिशियल जब भी किसी वीडियो को स्टार्ट करें तो 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए ऑडियो फेड हो। सिमिलरली वीडियो में कर सकते हैं। एडिटिंग में हम देखेंगे कि जो फोटो क्लिप हो गया, जो भी हम इम्पोर्ट करेंगे फोटो, उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो उसको कर सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर अपने पास मल्टीपल लेयर को हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ से हम वीडियो को हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, और इस बटन से, ऊपर वाले बटन से हम क्या करेंगे, वीडियो को प्ले करेंगे। ये काम जब यूज़ करते हैं हम, जब अपने पास मल्टीपल लेयर्स हो। अब इसका यूज़ हम जब करेंगे, जब अपने पास वीडियो के बीच में स्प्लिट कर रखा हो,
तो एक स्प्लिटिंग पोजीशन से दूसरी पर इजीली जंप कर सकते हैं हम इसके जरिए। सो ये था कुछ काइन मास्टर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि काइन मास्टर के आने वाले पार्ट 2 की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।